हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम आए अर्श के घर के पास, तो अर्श अभी आएगा तो चलते हैं उसके घर में। अभी चलते हैं, तो अभी हम अर्श के घर के पास आ चुके हैं, तो अर्श का घर अभी, तो चलते हैं अभी अर्श के घर में। ओ भाई, लग रहा है अर्श अभी गेम खेल रहा था, अभी लग रहा है गेमिंग वीडियो अर्श बना रहा था। कहीं छुपा भी नहीं है यार, देखते हैं। कहीं नहीं भाई, अपना अर्थ भाई आ चुका है भाई। अरे व्लॉगिंग स्टार्ट है ब्रो, तो ऐसे किसी के में जाओगे? अरे भाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं कोई बात नहीं। तो आज हम लोग को करना क्या है व्लॉगिंग में? तो चलते हैं, अभी बाद में बताएंगे आपको। तो ये अभी वो आ रहा भाई। तो आज हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे अर्श भाई? भूतिया क्या? कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे भाई अपना भूतिया, तो उसमें 10 मिनट का वीडियो कैसे निकलेगा? वे निकल जाएगा, तुम चलोगे ना? चलते तब आज हम भूतिया, उसमें पुल भी दिखाएंगे तभी 10 मिनट का वीडियो। तो आप अब बता दीजिए भूतिया क्या दिखाने जा रहे हम लोग? भूतिया क्या? क्या भूतिया? क्या भूतिया बताओ ना भाई। अरे भूतिया अपना पेड़। अच्छा भूतिया पेड़? हाँ यार भूतिया पेड़, आप भूल गए यार अपना। हाँ। तो चलते अभी रेडी उडी होके चप्पल उप्पल पहन लेते, टाइट पहन लो चप्पल भाई टाइट, क्योंकि दौड़ना है। ये इंसान वो ये भूतिया पेड़ नहीं भाई, सॉरी अपना भाई, ये ना अपना भूतिया पेड़ भाई, ये नहीं है गाइस। हाँ गाइस ये देखिए, ये आपका भूतिया पेड़ है गाइस, थोड़ी मजा। ये एक इधर है और दोस्त अभी एक इधर है, मजाक से हट के मजाक से हट के इधर भूतिया है, इधर वो जो पेड़ है वो कब्रिस्तान में है, और साथ ही साथ बहुत सारे 2-3 लोग ने उसके ऊपर फांसी लगा के लटके थे। मतलब लोगों को वही मिलता है क्या फांसी लगा के लटकने के लिए? तो चलते आपको हम बताते भी। हाँ एक मुझे पता चल गया कि जैसे उस पर फांसी लगा के मरते हैं तो डायरेक्ट नीचे कब्रिस्तान में गड़ा भी जाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमारा भूतिया पेड़ है उधर भी। छोटे से डिब्बे के अंदर अभी जा सकते हैं, आओ इधर जाके देखते हैं। ओ भाई इधर कबर भी गाइस वही है तुम्हारी। इधर भूतिया पेड़ है, इधर कबर है, इधर कब्रिस्तान है। अरे भाई मेरी भी फट रही है भाई। ये ही नहीं, साथ में वहाँ पे जो पेड़ है गाइस, ये वाला पेड़, ये पेड़, ये छोटा वाला नहीं, अरे ये है, ये भूतिया है, ये पेड़ भूतिया कहने की रात में इसमें चुड़ैल लटकती हैं। वैसे बहुत सारे लोग का कहना है, वो लोग देखे भी हैं। तो अब हम बताएंगे, तो ये है भूतिया पेड़, आइए आपको बताते हैं। ये अपना भूतिया पेड़ और इधर कब्रिस्तान में जो है रिकॉर्डिंग का इजाज़त हम लोग अभी ले गए हैं। ये जो भूतिया पेड़ है इधर से सब फांसी लगाते हैं, और इधर कब्रिस्तान है जो मुस्लिम होते हैं वो इधर, वो भी हो सकता है आपको पता होगा। तो दिखा दीजिए ये भूतिया पेड़ कितना बड़ा है, और एक उधर भूतिया पेड़ है, एक उधर भूतिया पेड़ है, और वो भूतिया पेड़ के बगल में एकदम जस्ट नदी है। आओ आपको दिखा देते हैं भाई, हम लोग का ये दूसरा व्लॉग है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अभी न्यू न्यू व्लॉग आते होंगे, इधर आप नदी दिखा सकते हैं अपने अर्श भाई। अबे ये गाइस हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला था। अबे भाई गाइस ये सही उड़ रहा है, सिग्मा काऊ, सिग्मा काऊ गाइस वहां पे दिख रहा है। शॉट लेंगे हम लोग, चलते हैं तब अभी लेते हैं शॉट। ये का ये नहीं आपका देख सकते हो कैसे भाग रहा है भाई। अबे भाई भाग, अबे भाई भाग,
भाई अर्थ भाई कुछ देखा अबे भाई क्या तो था भाई भाई कुछ था भाई भाई अपने आप हवा में उड़ गए भाई हिस्टोरिकल कुआं है ये अगर आप सपोर्ट करते हैं तो देखना चाहते हैं इस कुएं के बारे में तो आप हमारे फर्स्ट ब्लॉग देखिए लिंक कमेंट में पिन है आप जाके देख सकते हैं तो आप अगर सपोर्ट करते तो आप अपना वो जो ट्रेन जा रही है उधर का या और उधर का भी उधर का सीन बहुत अच्छा है सेकंड ब्लॉग आपको उधर का देखने का मिलेगा वो जो आपको दिख रहा है इधर से इधर थोड़े बच्चों की चोरी हो रही है हाँ। तो अभी थोड़ा हम पगलाते हैं चले गाइस आपको बताना अभी चाहिए कि ये बनारस में इधर भी बहुत ज्यादा बच्चों की चोरी हो रही है इधर बहुत सारे बच्चे हाँ तो आप अगर बनारस में रहते हो तो अपने बच्चों को बाहर ना निकाले वैसे हम भी बच्चे ही हैं क्या हम लोग बड़े हो गए क्या नहीं नहीं हम लोग कमला पसंद खाते वो देख सकते हैं बैट बॉल हो रहा है वो सब जगह बैट बॉल हो रहा है अगर आप सपोर्ट करते हैं आपको तीन ब्लॉग देखने एक ये अपना वरुला पुल एक ये अपने एक लाइन इधर और एक लाइन उधर के सीन बहुत तगड़े आते भाई प्यारे सीन सपोर्ट करते तो हम थोड़ा दूर भी जाएंगे जैसे हो गया पुराना पुल गाइस पुराने पुल के बारे में आप लोग जानते हैं अगर नहीं जानते तो हम लोग को बताइएगा कमेंट में हम लोग आपको वहाँ ले चले गए उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और बहुत ऑसम सीन उधर का आता है ब्रो तो चलते ये तो ताव अपनी है वहाँ पे और भाई अपने बोला रहे हैं भाई गाइस वैसे पता है ये सुफियान भाई पता नहीं क्यों भागे मुझे नहीं पता मैंने वहाँ पे सही में कुछ देखा तुमने देखा कि नहीं मैंने देखा मेरा वहम भी हो सकता है वहम इसलिए क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ होगा कुछ ऐसे अजीब तरीके से हिल रहा था तो देखिए ये अर्श भाई वो गाय के दहाने से भागा अरे वो अरे हाँ गाय चिल्लाई तो ये भागा और मैंने देखा कि गाय का दोनों तीन पैर ऊपर हो गए हवे में तो ये क्या कहते हैं इसको क्या कह सकते इसको मिस्टीरियस था कुछ अपने कुनिया में तो ऐसे मिस्टीरियस चीज बहुत है चलते थोड़ा मैच आपको दिखाते हैं गाय आपको अगर बंगले का ब्लॉग चाहिए तो हम लोग को बता देना चौथा व्लॉग उसी पे बनने वाला और एक ये पेड़ ये भी मगर हम लोग इससे इतना नहीं डरते एक उधर भी पेड़ है एक इधर इमली का पेड़ है नहीं डरते ज्यादा डरावना इधर जो पेड़ है वो इमली का पेड़ है क्योंकि उसका सांप बहुत सारे लोगों से कहना है किसी से भी पूछ लेंगे तो लोग कहते हैं कि रात में उससे चुड़ैल चिपकती है वगैरह मैं तो इमली के पेड़ से थोड़ा सा नहीं डरता जैसे सांप होता है और मगरिब की अजान होती है तो वहाँ पे जल्दी कोई नहीं जाता आप देख सकते हैं अभी मैं भूत के चक्कर में भागा तो मेरा हालत क्या हो सकता है क्या हुआ देखिए पूरे बैल के पेड़ से छिला गया चलते भाई इतना तो सह लेंगे अपने ब्लॉग के लिए तो अभी इधर आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दो हम लोग इतना झेल रहे सब्सक्राइब तो फ्री होता है बस एक बटन ही तो दबाना है आपको बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे तो अभी हम आपको इधर मैच का सीन दिखाएंगे ओपी ओपी ऑसम शॉट तो अभी ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं मैच का शॉट ये अपने कोनिया की टीम है वो लगा शॉट ओ भाई बॉल गई उधर गई है बॉल लेने तो दूसरा शॉट दिखाते हैं अपने बहुत इधर मैच होता है तो आप देख सकते हो शॉट बॉल उधर गई आपको दिखो हाँ बॉल उधर गई तो आप दिखे होंगे इन लोग का बनाया जाए तो अभी इस वीडियो में इतना ही अभी हम लोग जा रहे हैं अभी हम लोग का व्लॉग हो चुका है 10 मिनट का हो चुका है तो अभी हम 7 मिनट में क्रॉस करके डालेंगे तो अपने अरे भाई व्लॉग बढ़ाना नहीं चाहते चलते तब बाय तो शॉट देखिए अभी भाई